बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे प्रशांत नट को 25 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रिवॉल्वर चुराने वाले जॉनी नाम के शख्स की भी पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। इस बारे में पुलिस को दो वीडियो मिले हैं जिसमें प्रशांत इंस्पेक्टर से बहस करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस पूछताछ में प्रशांत दत्त ने हत्या की बात कबूल की। प्रशांत ने बताया कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर पहले पत्थरों से हमला किया गया जिसमें वह घायल हो गए। इसके बाद कई लोगों ने इंस्पेक्टर को खेत में दौड़ाया। उसके बाद इंस्पेक्टर को पीछे से प्रशांत ने पकड़कर उन्हीं की पिस्टल छीनकर उन्हें गोली मार दी। दिनांक 3 दिसंबर को सियाना में जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी की हत्या हुई थी उसके मुख्य आरोपी प्रशांत नट को गिरफ्तार कर लिया गया। विस्तृत पूछताछ में उसने इस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और ये भी स्वीकार किया है कि गोली उसने चलाई थी जिससे इंस्पेक्टर साहब की मृत्यु हुई थी। बाकी उससे लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ में और भी फैक्ट्स संज्ञान में आने की संभावना है और जो भी फैक्ट्स प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर हम अग्रिम कार्यवाही करेंगे। बता दें 3 दिसंबर को गौकशी के बाद हुई हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले पुलिस ने जीतू फौजी नामक शख्स को गिरफ्तार किया था जिसे घटना के दिन पुलिस चौकी के सामने सक्रिय तौर पर मौजूद देखा गया था। नवोदय टाइम्स ब्यूरो की रिपोर्ट।